हेलो फ्रेंड्स, C++ प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। और हम देख रहे हैं C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग, जैसा कि नाम से थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा, फंक्शन को करना है ओवरलोड। अब ओवरलोड का मतलब क्या हुआ? ओवरलोड हम किसको बोलते हैं? जैसे आपको बहुत सारा काम दे दिया जाए, आपको लिखना भी है, आपको पढ़ना भी है, आपको असाइनमेंट्स भी बनाने हैं। ठीक है, तो यू हैव मेनी ऑफ वर्क्स। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं, तो आपके आपको जो है काफ़ी ज़्यादा वर्क दे दिया गया है, तो आपको हमने ओवरलोड कर दिया है। ठीक है, आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, मतलब अलग अलग फंक्शनैलिटी, आपको एक सिंगल पर्सन को अलग अलग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड परफॉर्म करना है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? ओवरलोडिंग। ठीक है, एक ही पर्सन को हमने बहुत सारा काम दे दिया तो हमने उसको ओवरलोड कर दिया। इसी तरह एक ही फंक्शन को हम अलग अलग फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाने के लिए अगर यूज़ करेंगे तो उसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग बोलेंगे। अगर एक ही फंक्शन को हम अलग अलग फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए यूज़ करेंगे तो उसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग बोलेंगे। ठीक है, फंक्शन का नाम एक ही रहेगा, एक ही फंक्शन है, लेकिन अलग अलग वर्क वो कर रहा है, डेफिनेशन उसकी अलग अलग दे दी। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ लिखा है, ओवरलोडिंग मीन्स सिंगल फंक्शन बट मल्टीपल फॉर्म और वर्जन। फंक्शन एक ही है बट उसके फॉर्म्स और वर्जन्स अलग अलग हैं। बेस ऑफ द फंक्शन ओवरलोडिंग आर द आर्ग्यूमेंट। अब ओवरलोडिंग हम करते कैसे हैं, उसके लिए आर्ग्यूमेंट का पता होना आपको ज़रूरी है। ठीक है, मेन आर्ग्यूमेंट से ही ओवरलोडिंग किया जाता है। ठीक है, अब ओवरलोडिंग का मतलब होता है फंक्शन का नाम तो सेम होना चाहिए, जैसे ABC फंक्शन है और ये भी ABC फंक्शन है। अब ओवरलोडिंग करने के तीन तरीके हैं, आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होने चाहिए और आर्ग्यूमेंट जो है तीन तरीके से डिफरेंट हो सकते हैं। फंक्शन के नाम तो सेम है बट यहाँ आप देखो आर्ग्यूमेंट कितने हैं। पहले वाले फंक्शन में ABC फंक्शन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट है, एक इंटीजर। दूसरे फंक्शन में तीन आर्ग्यूमेंट हैं, तो यहाँ पे हमने जो ओवरलोडिंग की है तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स को हमने डिफरेंट रखा है। ठीक है, यहाँ हम देखें तो यहाँ नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ओवरलोडिंग आपने कैसे किया है। यहाँ पे आपने नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स को डिफरेंट रखा है, नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट इज डिफरेंट। ठीक है, नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट इज डिफरेंट। ठीक है, अब दूसरे फंक्शन में हम देखें void ABC, दो इंटीजर हैं, फिर void ABC दो फ्लोट वैल्यू हैं। अब यहाँ पे दोनों के अंदर नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट तो सेम है। ठीक है, पहले वाले ABC फंक्शन के अंदर दो इंटीजर हैं, दूसरे वाले के अंदर भी दो पैरामीटर तो दो हैं लेकिन टाइप अलग है। ठीक है, दोनों के अंदर दो दो पैरामीटर हैं, पहले के अंदर दो इंटीजर हैं, दूसरे के अंदर दो फ्लोट हैं। नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट तो सेम है बट डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है। फंक्शन का नाम सेम, नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट भी सेम बट डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट इज डिफरेंट। तो ये दूसरा तरीका हो गया ओवरलोडिंग करने का, जिसमें आपने डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट को डिफरेंट रखा है, डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर इज डिफरेंट। ठीक है, फिर तीसरा तरीका फंक्शन ओवरलोडिंग का, फंक्शन का नाम सेम है, दोनों फंक्शन ABC नाम के हैं, नाम कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ABC नाम दे दिया है। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट भी दोनों के अंदर, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी दोनों के अंदर सेम है लेकिन सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले फंक्शन में आप देखेंगे तो उसमें पहले इंटीजर है देन आफ्टर फ्लोट, और दूसरे में आप देखेंगे पहले फ्लोट देन आफ्टर इंटीजर।
ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट तो सेम है, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट भी एक तरीके से सेम है, एक इंट एक फ्लोट, एक फ्लोट एक इंट, बट सीक्वेंस इज डिफरेंट। ठीक है, तो ये भी ओवरलोडिंग कहलाएगा, यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है, तो इसको हम बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट इज डिफरेंट। ठीक है, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब एक फंक्शन का नाम तो एक ही है, आर्ग्यूमेंट अलग अलग है, और आर्ग्यूमेंट तीन तरीके से अलग हो सकते हैं, या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होगा, या डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होगा, या सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, अब कैसे आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।